दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में देर रात दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद पीसीआर वैन पलट गई। इस हादसे में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। बताया गया कि जिस गाड़ी ने पीसीआर वैन को टक्कर मारी, उसका ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद पीसीआर वैन के एक तरफ के परखच्चे तक उड़ गए। नॉर्थ दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में बीती रात एक जबरदस्त रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल वजीर सिंह की मौत हो गई। ये वही इलाका है और इस प्रखर गाड़ी को आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की पीसीआर गाड़ी है। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए इस प्रखर गाड़ी का दिल्ली पुलिस में रखा जाना था, जिसके बाद प्रखर गाड़ी अलग अलग दिल्ली के इलाकों में घूमती है। बीती रात भी इस इलाके में, जो मॉरिस नगर इलाका है, यहाँ पर डीयू मेट्रो स्टेशन के आसपास ये गाड़ी घूम रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार होंडा सिटी गाड़ी ने इस गाड़ी को हिट किया है और ये पुलिस की पीसीआर है। और प्रखर गाड़ी पर एक्सीडेंट करने के बाद जो यहाँ पर तैनात थे हेड कांस्टेबल वजीर सिंह, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बताया जा रहा है कि उसके बाद उन्हें अस्पताल ले आया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिस होंडा सिटी गाड़ी ने इस पूरी गाड़ी को हिट किया था पुलिस की, वो भी गंभीर रूप से चालक उसका घायल है और उसका इलाज चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो क्राइम सीन है, क्राइम सीक्वेंस है, उसका दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। आखिर वो गाड़ी इतनी रफ्तार से किस जगह से आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ इस गाड़ी के अंदर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि अभी तक यही बताया गया है कि हेड कांस्टेबल वजीर सिंह की इस घटना में मौत हो गई।